चैनल अमर शेफ टिप में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। आप किस प्रकार घर में ही आइसक्रीम बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट की तरह और एंजॉय कर सकते हैं गर्मियों में। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, एक पका हुआ पूरी तरह से आम, 100 ग्राम चीनी, ड्राई फ्रूट में हमने काजू बादाम किशमिश लिए है, आप कुछ भी ड्राई फ्रूट में ले सकते हैं, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर, हमने यह आइसक्रीम बनाने के लिए हमने आधा लीटर दूध ले लिया है। इसमें हम 100 ग्राम चीनी डाल देंगे। अब हम चीनी और दूध को अच्छी तरह पकाएंगे। हमने यह दूध और चीनी डाल के हम अच्छी तरह से दूध को पका रहे हैं। इसे कम से कम हम 10-15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, जब तक यह धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू ना हो जाए और इसकी क्वांटिटी हाफ ना हो जाए। हम इसे पकाते जाएंगे धीमी आंच में धीरे धीरे। ये हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। हम अब गैस बंद कर लेंगे। हम इसमें अब एक चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे, बिल्कुल एक चुटकी डालना, ज़्यादा नहीं, और इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर होने तक हम इसे छोड़ देंगे जब ठंडा हो जाएगा। अब हम ड्राई फ्रूट चॉप कर लेते हैं इस प्रकार से। अब हमारा दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है, देखो बिल्कुल ऐसे गाढ़ा हो चुका है। अब हम मैंगो ले लेंगे, इसमें मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे और जो मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे और हमने जो हमारा दूध था वो भी इसमें ऐड कर देंगे, जो गाढ़ा हुआ दूध था इसमें इस प्रकार से। अब हम इसमें हाफ कप दूध डाल देंगे, सिर्फ हाफ कप डालना, ज्यादा नहीं डालना, हमने बिल्कुल पूरा गाढ़ा बनाना है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें अपना ड्राई फ्रूट जो हमने चॉप करे थे वो ड्राई फ्रूट डाल देंगे और हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। हम सिर्फ इसमें 2 सेकेंड के लिए सिर्फ ग्राइंड करेंगे हल्का। ये देखिए हमारा बिल्कुल गाढ़ा आइसक्रीम के लिए स्मूथ रेडी हो चुका है। अब हम आइसक्रीम कोन में हम भर लेंगे इस प्रकार से। अब हमारे आइसक्रीम कोन हमने भर लिए हैं। अब हम इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे। अब हम इसको ठंडा होने के लिए 4 घंटा के लिए रख देंगे। अब हमारा आइसक्रीम रेडी है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा आइसक्रीम बन गया है कोन। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी आइसक्रीम बिल्कुल खाने के लायक और रेडी हो गई है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं।